वेलकम बैक दोस्तों, सटे स्टॉक की नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी वो फोटो अपलोड करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं हो पाती या फिर उनकी फोटो ये रिजेक्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फोटो को अपलोड करना है, इसका पूरा मेथड मैं आपको बताऊंगा और अपनी इमेज को अप्रूव करके भी बताऊंगा। तो आप कम्प्लीटली लास्ट तक अपने वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी इमेज को अपलोड कर लेना है। ये मेरा अकाउंट है और यहाँ से आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सेलेक्ट ए मल्टीपल फाइल आ जाता है और इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पीसी में जितनी भी इमेज होती है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है और जो भी इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आप ओपन कर लीजिए। तो मैंने पहले से यहाँ पर एक इमेज अपलोड की हुई है तो मैं डायरेक्ट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डाल के आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए मैंने पहले से यहाँ पर एक इमेज अपलोड की हुई है। अब इस इमेज को हम शटरस्टॉक पे अप्रूव के लिए लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले आपको चेक मार्क पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से। जैसे आप चेक मार्क पर क्लिक कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिस इमेज को मैंने अप्रूव के लिए यहाँ पर लगाना चाहा उस इमेज का पहले ही मैंने टाइटल रिनेम कर लिया है। तो आपको भी पहले से यहाँ रिनेम कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अपलोड करोगे उसके बाद में टाइटल बदलना चाहोगे तो वह चेंज नहीं होगा, पहले से ही आपको अपनी इमेज का टाइटल चेंज कर लेना है। तो मैं अपनी इमेज का टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाली मेरी इमेज है और मैंने इसका टाइटल पहले यहाँ पर रिनेम किया हुआ है और लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो सेरेमिक टाइल्स आती है इस तरीके की टाइल्स का डिजाइन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है अपने फोटोशॉप से। अगर आप भी बनाना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं इस तरीके की डिजाइन बनाना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो हम बात कर रहे थे टाइटल की। तो इस तरीके से आपको पहले पूरा टाइटल रिनेम कर लेना है और यहाँ से आपको अभी इमेज का टाइटल कॉपी कर लेना है इस तरीके से। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको दोस्तों कि आप जब भी यहाँ पर वर्ड लिखें तो डबल स्पेस ना दें, बिल्कुल सिंगल स्पेस ही आप रखें। अगर आप डबल स्पेस दे देंगे तो वहाँ पर आपकी जो इमेज है वह अपलोड नहीं हो पाएगी और रिजेक्ट हो जाएगी अपलोड होने से पहले ही। तो हमने अपनी इमेज का टाइटल यहाँ पर कॉपी कर लिया है और वापस से चलते हैं शटरस्टॉक पर। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन टाइटल को पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी इमेज का टाइटल पेस्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए इमेज टाइप, दो तरह की इमेज यहाँ पर आती है, फोटो एंड इलस्ट्रेशन। ये हमारी इमेज है इलस्ट्रेशन इमेज, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा डिजाइन भी किया हुआ है तो इसको हम इलस्ट्रेशन इमेज में डालेंगे। अगर एक सिंगल इमेज होती तो हम इसे फोटो में ही डालते, अगर इसमें कुछ डिजाइन नहीं होती, प्लेन ये होती तो। और इसके बाद में है यूजेस, तो मैं यहाँ पर इसको कमर्शियल वाले में रखूंगा, एडिटोरियल में नहीं रखूंगा क्योंकि मैं इसे कमर्शियल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे कमर्शियल रख लेता हूँ। इसके बाद में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब हम नीचे कैटेगरी में चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड एंड टेक्सचर, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी है और एक टेक्सचर इमेज भी है, तो मैं यहाँ पर इसे बैकग्राउंड एंड टेक्सचर दूंगा। मैंने कैटेगरी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सारी कैटेगरी के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है। और सेकंड वाली जो कैटेगरी है ये ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको कैटेगरी टू में जो डालूंगा तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगा इंटीरियर में, क्योंकि जो टाइल्स वगैरह लगती है मकानों में, बिल्डिंग्स में, तो वह इंटीरियर में आती है, तो मैं यहाँ पर इसे इंटीरियर में रखूँगा। और इसके बाद में लोकेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अपनी लोकेशन, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। इसके बाद में कीवर्ड्स, अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी इमेज को यहाँ पर अपलोड लगाते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होते हैं 25 कीवर्ड यहाँ पर पहले से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारे देखिए 25 कीवर्ड यहाँ पहले से लग गए हैं। और अगर आप ज़्यादा भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फाइंड मोर कीवर्ड्स पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी इमेज का टाइटल पेस्ट कर देना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो उससे संबंधित जो भी इमेज थी यहाँ पर आ गई है। तो इनमें से आपको तीन इमेज सेलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से।
तो मैं यहाँ पर तीन इमेज सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही और इससे संबंधित जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरीके से आप तीन से ज़्यादा इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ और इमेज ऐड कर देता हूँ ताकि जो हमारी इमेज है वो ज़्यादा सर्चिंग में आए और हमारी इमेज सेलिंग होने का चांस भी ज़्यादा रहे। तो इस तरीके से आप बहुत सारी इमेज भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन और भी इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एड टू ऑल पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ये देखिए 38 कीवर्ड यहाँ पर टोटल हो चुके हैं और इनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं इस तरीके से प्लस पे आइकन पे क्लिक करके और इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये देखिए बीनर्स कीवर्ड हो गए, बहुत सारे कीवर्ड्स आप लगा सकते हैं। मतलब कम से कम आपको 50 कीवर्ड्स ही लगाना है। अगर आप 50 से ज़्यादा निकाल देंगे तो ये इनवैलिडिटी में आ जाएगा। ये देखिए 50 कीवर्ड्स यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में मैं अटैच टू सेलेक्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक कीवर्ड्स है ये गलत आ गया है तो इसको मैं हटा दूंगा। अगर आप इसको सेव करोगे तो सेव नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ये यहाँ से हट गया है और आप देखेंगे ये वापस से यहाँ पर ब्लू हो गया है। तो मतलब इसका ये है कि ये जो इमेज है ये अप्रूव के लिए रेडी हो गई है, आप इसे सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा हमारे डिस्प्ले पर इस तरीके से कंटेंट सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है और ये जो इमेज है ये पेंडिंग में आ गई है। अब फिलहाल मैं आपको रिव्यू में दिखा देता हूँ कि ये रिव्यू नहीं की गई है। अगर हमारी इमेज अप्रूव हो जाती है तो अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा ग्रीन कलर से और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो इस तरीके से यहाँ क्रॉस बना हुआ आएगा और रिजेक्ट इमेज यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो हमारी इमेज है वो प्रॉपर तरीके से अप्रूव हो गई है। तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया जो हमारी पेंडिंग इमेज थी वह रिव्यू में कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पर 10 मिनट का समय लगा है अभी रिसेंटली क्योंकि लॉकडाउन के पहले यहाँ पर नेक्स्ट टाइम को हमारी इमेज रिव्यू होती थी तो अभी फिलहाल 10 मिनट में हमारी इमेज रिव्यू हो जाती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो इमेज है वह पूरी तरीके से अप्रूव हो गई है और इसका आप टाइटल भी देख लीजिए, यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ आ गया है और ग्रीन कलर से ये अप्रूव भी लिखा हुआ आ गया है और अप्रूव डेट भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को अप्रूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना होगा और आप अपनी इमेज को इजीली अप्रूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और फिर भी कुछ आपके पास में डाउट्स हैं क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई भी मैं आपको कमेंट में जरूर दे दूंगा।